नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है और अब खबर है कि बेबी रानी मौर्य को यूपी की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो बेबी रानी मौर्य हैं वो आगरा से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दो दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में क्या कुछ खास हुआ था जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के सचिव वीके संत ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है और अब जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्हें यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। और दो दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है, यूपी में भी चुनाव नजदीक है, अब क्या कुछ बातचीत हुई है ये देखने वाली बात होगी। और अगर उन्हें यूपी की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, जिस तरह से हमने आपको अभी बताया कि वो आगरा से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो अब क्या अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो क्या आगरा से लड़ेंगी या फिर कोई और जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल रानी बेबी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।